मेरा अमूल पनीर नगेट के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा और ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और आप भी ये गलती ना करें। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत खाना। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ अमूल के पनीर मसाला नगेट्स। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आते हैं, फ्रोजन है और इनकी नेट क्वान्टिटी है 300 ग्राम वेट में और इसके अंदर चटनी जो है इंक्लूडेड आती है और ये पड़े हैं मेरे को 175 रुपीज़ आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बट मेरे को पड़े हैं 130 रुपीज़ के, आपको साइड में यहाँ पर लगा दूंगा। और ये है पनीर नगेट्स, मसाला पनीर नगेट्स हैप्पी ट्रीट की तरफ से और आप इसके इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके। इसमें से मेन चीज़ है कि आप इसको माइक्रोवेव नहीं कर सकते हैं, इसको आपको फ्राई करना है और साथ में ऐसा लिखा है कि फ्राई पैन में आपको इसको प्री हीट ऑयल करके इसको आपको फ्राई करना है। कुछ गलती मेरे से हो गई है, ये गलती आप ना करें, आपको मैं पहले बता देता हूँ। इसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं कि अंदर से नगेट्स हमारे किस तरह से निकलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो नगेट्स हैं वो हल्के से ब्रोक डाउन हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे नगेट्स हैं क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग की गई वो अच्छे से नहीं की गई। अगर ये छोटा सा बॉक्स के अंदर जैसे अमूल के पेड़े आते हैं उस तरह के अगर छोटे बॉक्स में अगर ये इसको पैक करते तो हमारे नगेट्स टूटते नहीं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चिपक भी चुके हैं और काफ़ी सारे अंदर से टूट भी चुके हैं और एक दो तो मेरे को इसमें भुरभुरे भी हो गए, बोलो तो इसका चूरा भी हो गया है। तो चलिए इसको हम रखते हैं साइड में और पैन में डालते हैं। तो देखिए इन सारे नगेट्स को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, ये गलती आप ना करिए, इसलिए आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ अच्छे से। और ये चटनी जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है 2 से 3 मिनट के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं हमारे जो नगेट्स हैं इसके अंदर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बट इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको पैन में लेकर ही करना है और जो एक दो नगेट जो हमारे जो टूटे हुए थे वो अच्छे से फट चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर सारा पनीर अंदर निकल चुका है और इसको 2 से 3 मिनट ही हमको फ्राई करना है, नहीं तो ये सारे जो नगेट्स है ये फट जाते हैं अगर 2 से 3 मिनट के अगर आप उसको ऊपर फ्राई करते हैं। तो ये देखिए हमारे जो नगेट्स हैं वो फट चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं क्योंकि इससे मेरे से गलती हो चुकी है कि मैंने इसको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था पैन में, बोलो तो कढ़ाई में। बस आपको क्या करना है, एक पैन में आप हल्का सा तेल डाल के और उसको फ्लिप करके इसको आप टॉस कर लीजिए, बोले तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक, उससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो नगेट्स हैं वो फट जाते हैं। और मैंने एक ट्राई मार के भी देखा था, जो फटे हुए जो हमारे नगेट्स हमको जो पार्सल हुए थे तो उसको भी मैंने साथ में डाल दिया था, तो वो सारे जो है अंदर से पूरे फट के और सारा मटेरियल बाहर निकल गया और ऊपर का जो ब्रेड वाला जो क्रम वाला जो हिस्सा होता है सिर्फ वही रह गया। और देखिए हमारा जो सारा जो तेल है वो भी ख़राब हो गया, उसको मैं छान लूँगा बाद में। ये देखिए इस तरह से हमारे नगेट्स हो चुके हैं, कुछ बचे हैं और कुछ जो है एकदम से अंदर से खाली हो चुके हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा इन नगेट्स के साथ, अमूल के नगेट्स के साथ। जो गलती मैंने करी है वो आप ना करें, आपको करना ये है कि आप एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर इसको आप शैलो फ्राई कर लीजिए, ज़्यादा डीप फ्राई ना कीजिए जैसे मैंने की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।